हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और देखिए कितना सारा खलारा पड़ा है। तो मैंने सारा अंदर से बाहर निकाल दिया जी, जो भी पॉलीथीन और जो जो सामान किचन के लिए आया था, तो उसमें जो पैकिंग होती है, जो थर्माकोल है, तो ये पेपर है, सनमाइके पे लगे होते हैं जो, तो मैं सोचा आज सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अभी वो वर्कर जो लगे थे कारपेंटर, तो उन्हें कहीं और भी काम है। अभी हमारे घर वो दिवाली के बाद आएंगे, तो वैसे भी हमने बोला कि अभी अभी आप दिवाली के बाद ही आना, क्योंकि अभी घर में तैयारियां करनी है, दिवाली की सफाइयाँ हो रही है और इधर फिर काम लगा रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। और मैंने जो मोटा मोटा उसको यहाँ पे जला दिया, और बाकी वाला जो वो डस्टबिन में डाल दूंगी, जो बड़ी वाली बकेट है, जो पुरानी वाली, उसमें, और कूड़े वाला सुबह ले जाएगा। और अंदर से भी सारा मैंने निकाल दिया, और अभी यहाँ पे लगा दूंगी झाड़ू। तो पोछा लगाने का भी टाइम नहीं है, तो वो सुबह जल्दी उठ के पोछा लगा दूंगी पूरे घर को नीचे। और बच्चे आ गए और बॉल देखो कहाँ अटक गई है इनकी, तो ये लगे हुए हैं खेलने। तो आज ये बैट बॉल नहीं खेल रहे, इन्होंने बहुत सारे कागज इकट्ठे करके ये बॉल बनाई है और एक दूसरे की पीठ पे मार रही है। और मैंने चेक किया है कि कहीं वो हार्ड तो नहीं है, तो बिल्कुल सॉफ्ट सी है। तो पॉलीथीन है और जो कागज होते हैं वो है, इसमें इन्होंने गोल सी कर ली, मोटी सी, और एक दूसरे की पीठ पे मार रहे हैं। बॉल नहीं है इनके पास, इनके पास दो बॉल थी, दोनों चली गई अभी प्लॉट के अंदर, तो इसलिए वो उसके साथ ये कर रहे हैं अभी। तो बॉल मार रहे हैं एक दूसरे की पीठ पे। नमे नमे आ गए, ओए कमीज तेरी फट गई सारी, वो देख साइड से। अग्नि ने पानी भाई, अग्नि कितने पड़ी है तो देखा आपने, बच्चों ने हंसा दिया और मैं और दीदी सामने खड़े होके इनकी बातें सुन रहे हैं, और हंसी भी आ रही है हमें बहुत ज्यादा कि कैसे बच्चे बातें करते हैं जी। वो कह रहा है गेंडे ने मेरी कमीज फाड़ दी। तो जी शाम को जब आते हैं, रौनक तो बहुत लग जाती है इनके साथ, और शैतानियाँ भी बहुत करते हैं। कभी कहीं बॉल रगली होती है इनकी, कभी कहीं, और कल ये खेल रहे थे लोन के अंदर तो इन्होंने सारे पौधे तोड़ दिए, सारे नहीं मतलब 3-4 फ्लावर थे वो उन पे पैर रख दिया इन्होंने। तो आज मैंने बोला आज नहीं, आप उधर खेलोगे, कल कबड्डी खेल रहे थे अंदर जे। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो कल मैंने शाम को कर दी थी सफाई अच्छे से, झाड़ू पोछा, और सॉरी झाड़ू कर दिया था, पोछा नहीं किया था। और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ सारे घर में सुबह सुबह उठ के। आज मैंने सोचा कि पहले ये काम कर दूँ, तो कल रात को अंधेरा हो गया था शाम को, तो कल पोछा नहीं लगाया था मैंने, और अभी लगा रही हूँ। साथ में सौरिश के पापा भी बाहर कर रहे हैं, जो गाड़ी है उन्होंने अपनी बाहर निकाल दी है कि आंगन भी अच्छे से धो देते हैं अभी। तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो ये मूली मैंने कद्दूकस कर ली और निचोड़ लिया उसको, और डाल दिया प्याज और ये लाल मिर्च। तो मूली के परांठे बना रही हूँ, ये थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, हरा धनिया, ये पिसा हुआ जीरा, और ये नमक। तो क्योंकि इन्हें जाना था अभी, तो फिर मैं लेट हो जाती, इसलिए मैंने पूजा वगैरह नहीं की अभी, और पहले मैंने सोचा कि इनके लिए परांठे पहले बना देती हूँ, वरना फिर ये जल्दी जल्दी से चले जाते और खा के भी नहीं जाते। तो ये रुकते नहीं है, 2 सेकंड के लिए फिर वेट नहीं करते। ये पहली रोटी गाय के लिए, तो अब परांठे बना रही हूँ इनके लिए।
तो इनका खाना बन गया फ्रेंड्स। तो साथ में गलगल का अचार है, दही है और साथ में पराठा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने जल्दी जल्दी से पहले इनके लिए पराठे बना दिए क्योंकि इन्होंने जल्दी जाना था, और अभी मैंने पूजा कर ली है और अभी मैं अपने लिए और सौरिश के लिए पराठे बनाने जा रही हूँ। तो आपसे मिलती बाद में, तो पहले मैं बना लेती हूँ पराठे। तो सौरिश के लिए एक तो मैंने ये बनाया तिकोना और दूसरा बनाया मैंने चौरस, तो इसको ये अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सौरिश के साथ मैंने भी नाश्ता कर लिया और अभी जो मैट्स डाले हैं तो उन्हें अंदर ले आई हूँ। फ्रेंड्स, अभी नाश्ता हो गया मेरा और सौरिश का भी, और जो मैट्स बाहर डाले हुए थे वो मैंने सारे अंदर डाल दिए हैं। और जो यहाँ पे बड़ा वाला होता था उसको कितने दिनों से मैंने ऊपर रखा है कि वो धोने वाला था, उसको धोना है, तो वो ही आज धोने जा रही हूँ। साथ ही साथ सौरिश को नहलाना है आज धूप में ऊपर, तो क्योंकि उसको ठंड लग रही है और अभी तक हमने गीजर नहीं स्टार्ट किया चलाना, तो मैंने बोला अभी कुछ दिन रुक जाओ फिर आदत पड़ जाएगी गर्म पानी की, तो आज मैं धूप में रख देती हूँ पानी, तो ऊपर आपको नहलाती हूँ। तो उसको भी नहलाना है, साथ में मैट मैंने जो रखा ऊपर उसको धोना है, और ये भी सारे मैट्स जो घर में तो सारे खराब हो चुके हैं, एक दो ये ठीक, और अभी दिवाली पे न्यू लेने हैं तो तब तक इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो चलती हूँ मैं अभी ऊपर, धो लेती हूँ मैट को और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको भी ले चलती हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो सौरिश मेरे से पहले आ गया था यहाँ पे क्योंकि इसे ये पानी वाले काम करने में तो बहुत ही उसको अच्छा लगता है। और देखिए, पूरे कपड़े तो गीले इसने कर ही लिए, वैसे भी तो इसके कपड़े जो अभी बदल नहीं है, लेकिन फिर भी इसने पूरा मेरे साथ होके काम किया। और अभी हमने दोनों ने इसको अभी डालना सुखाने के लिए, भारी काफ़ी था लेकिन उठ ही गया हम दोनों से। तो अभी देखिए इसके ड्रामे क्या चल रहे। तो फाइनली इसने पहले एक दो मग खुद डाल ही लिया अपने ऊपर, मुझे कह रहा था कि आप मत हाथ लगाना, भाग गया था, कहता कि मैं पहले खुद नहाऊंगा, खुद डालूंगा पानी। तो सौरिश को मैंने नहला दिया और ऊपर ही अभी धूप में, वो कह रहा मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था नहाने के लिए, ड्रामे कर रहा था, कभी पानी फेंक रहा था और डर रहा था पानी फेंकते हुए। और मैंने उसके अभी कपड़े निकालने हैं तो वो आता ही होगा। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना, अपनी फैमिली का, बच्चों का ध्यान रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।